चैन से सोना है तो जाग जाओ, OLX के यूजर को देखते ही भाग जाओ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर सम टिप्स, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप OLX पे चल रहे स्कैम से बच सकते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम अपनी बाइक बेच रहे हैं और ये बहुत सैड न्यूज़ है, बट एनीवेज पुरानी जाएगी तो नहीं आएगी। दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ कि चीज़ों से अटैच नहीं होना है, चीज़ों से दिल नहीं लगाना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तो ठीक, बेचने के प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती जो मैंने पहले ये कर दी कि मैंने उसको OLX पे लिस्ट कर दिया। उस लिस्टिंग पे मेरे साथ 2 से 3 स्कैम्स हुए और वो स्कैम्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो स्कैम आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो बन गई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं लेकिन दिल से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी फैंसी गाने, फैंसी बी रोल्स, फैंसी सिनेमैटिक शॉट्स नहीं होने वाले। उसके लिए आप मेरे चैनल की कोई भी और वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, वार्निंग, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जो स्टार्टिंग में था, एंड कॉशन, जो मेरे साथ गलती हुई है मैं नहीं चाहता आप लोग के साथ हो, इसलिए मैं आप सबको वॉर्न कर देना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि आपको OLX पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, OLX पे आजकल क्या चल रहा है, आपको ये समझ आ जाएगा, तो इसलिए ये वीडियो बन रही है। तो पहले बताते हैं स्कैम नंबर 1। OLX पे बाइक लिस्ट करने से पहले मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा कि मैं एक बार मार्केट में देख लेता हूँ कि क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल। तो मैं बाइक्स के सेक्शन में गया और वहाँ मुझे लिस्ट में एक बाइक दिखी जो कि थी रॉयल एनफील्ड सिग्नल स्टॉर्म राइडर, जो कि जनवरी का ही मॉडल था और वो बिक रहा था सिर्फ 60,000 में। तो मैं सोचा सही है, 60,000 में अगर ये है तो हम ये ले लेते हैं। तो मैंने उस बायर से कांटेक्ट किया, मैंने उस बायर को बोला कि भैया आपने आपकी ऐड देखी है OLX पे, मुझे वो बाइक लेने में इंटरेस्ट है। मैंने उसको रीजंस पूछा आप बेच रहे क्यों, उसने बोला मेरा जॉब शिफ्टिंग हो रहा है तो इसके लिए मैं बेच रहा हूँ। चलो स्कैम पे आते हैं, स्कैम पे। तो उसने मुझे बोला कि ये बाइक एयरपोर्ट में खड़ी है और वो बंदा पुणे में रहता था, उसने बोला मैं चेंबूर में बाइक भिजवाऊंगा, एक बंदा आपके लिए लेके आएगा और आपको पसंद आई तो रखना, नहीं तो बंदा वापस ले जाएगा। मैंने उसको बोला ठीक है आप मेरी बाइक बुक कर दो, आप बाइक भिजवा दो। उसने मुझे बोला कि आपको 5,100 रुपये देने पड़ेंगे एयरपोर्ट से बाइक निकलवाने के लिए और मुंबई तक पहुंचवाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों, आपको अगर बेचनी है मुझे खरीदनी है, मुझे पसंद आएगी मैं उसके बाद दूंगा ना। तो उसने बोला नहीं, वो उसकी फ़ीस लगती है पहले एयरपोर्ट में पड़ी। अब आई डोंट नो व्हाट फीस, विच एयरपोर्ट, आई डोंट नो एनीथिंग। एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं, वो उनकी स्टोरी थी, 5,100 रुपये मुझसे ले लेते और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते। तो ये तो स्टोरी थी जब मैं दूसरों की बाइक देख रहा था। अब मैंने दूसरों की बाइक देख ली थी, मुझे रेट का थोड़ा अंदाज़ा आ गया था कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितने ईयर की कौन सी बाइक का, तो मैं अपनी बाइक का रेट सेट कर सकता था। स्कैम नंबर 2 तब हुआ जब मैंने मेरी बाइक लिस्ट कर दी थी, मैं प्राइस डिसाइड किया 26,000 रुपये, 2012 का मॉडल है ये, मेरे पास 2015 में आया था, मैं सेकेंड ओनर हूँ इसका, एंड इस हिसाब से मैंने 26,000 रुपये लिस्ट की। उसके बाद मुझे एक बंदे का कॉल आया और वो कॉल करके मुझे बोला आपने ट्विस्टर लिस्ट किया है OLX पे, मैंने कहा हाँ की है। तो उन्होंने बोला कितने की देंगे, 26, मैंने कहा 26,000 की। उन्होंने कहा फाइनल कितने की देंगे, मैंने कहा 26,000 की। तो बोला ठीक है मुझे आपकी बाइक पसंद है, आप गूगल पे लेते हैं, फ़ोन पे लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ सब चल रहा है। उन्होंने कहा मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं आपको 15,000 रुपये गूगल पे करूँगा और आपके पास एक लड़का आएगा, वो बाइक देख के 11,000 रुपये कैश दे के बाइक लेके चले जाएगा। मैंने कहा बढ़िया, बिना देखे बिना कुछ के बंदा 26 में रेडी हो गया, तो भी थोड़ा सस्पिशियस लगा, बट आई स्टिल कैरीड ऑन क्योंकि पैसे आ रहे हैं। हम इंडियंस की एक चीज़ बहुत ख़राब है कि हम पैसे के मामले में मार खा जाते हैं, जहाँ पैसे की बात आ जाती है ना हमारा दिमाग खाली हो जाता है, हमारा दिमाग चलना बंद कर देता है, पैसा 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 दिखता है खाली। और एक्चुअली इंडियंस ही नहीं, ये सबकी मेंटालिटी है, पैसे का ग्रीड हर किसी को है। और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 15,000 रुपये गूगल पे कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। उनका थोड़ी देर बाद कॉल आया, उन्होंने बोला अपना फ़ोन ओपन करें, मैंने फ़ोन ओपन किया, उन्होंने कहा ऑल ट्रांजेक्शन में जाए, मुझे तभी मैसेज आया था, उन्होंने बोला मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन मैंने आपको मर्चेंट अकाउंट से पैसे भेजे हैं। और वो मुझे मर्चेंट अकाउंट का रूल समझा रहे थे कि मर्चेंट अकाउंट से पहले अकाउंट से गूगल पे में जाते हैं और आपको गूगल पे से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो मैं आपको कॉल पे सिखाऊंगा कैसे करते हैं, हमसे बकचोदी हमसे। तो मुझे मैसेज आ चुका था, मैंने वो मैसेज अच्छे से नहीं पढ़ा, वो मेरी गलती थी। तो मैं ऑल ट्रांजेक्शन में गया, वहाँ पर मुझे ऊपर उसका ट्रांजेक्शन दिखा, वहाँ लिखा हुआ था -15,000 और नीचे लिखा हुआ था नॉट पेड। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, उन्होंने कहा उस पर टैप करो, मैंने टैप किया, तो उन्होंने कहा आगे क्या आ रहा है, ओके आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, और नीचे मुझे दिख रहा था प्रोसीड टू पे, मैंने कहा प्रोसीड टू पे दिख रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है टच करो। तो मैंने उनको कहा मैं तुझे चूतिया लगता हूँ क्या, हो सके मार। वो मुझे बोला सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया। मैंने कहा पैसा कट गया, हो सके मार, और गालियाँ दी
इतनी गालियाँ दी कि उसने फ़ोन ही रख दिया। उसके बाद मैंने उसको कम से कम 10 से 12 बार फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऑब्वियसली क्यों उठाएगा। फिर उसकी थोड़ी देर बाद उसने मुझे 1 रुपया गूगल पे भेजा और वो मैंने रख लिया। ऑब्वियसली फ्री का पैसा आ रहा है तो आने देना इंडियन से। अब चलते हैं स्कैम नंबर 3 की तरफ। स्कैम नंबर 3 एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने किसी और के साथ कर दिया। तो आपको पता ही, अगर आपने OLX पे चीज़ें लिस्ट की हुई हैं तो OLX पे लोग कुछ भी रेट बोलते हैं। मैं 26,000 की बाइक लिस्ट की है, कोई उस पर मैसेज करता है 14, कोई उस पर मैसेज करता है 15। अब कोई मुझे ऐसे मैसेज करता है ना 14-15, मैं सीधा एक ही स्कैम करता हूँ उसके बाद। अबे साइकिल खरीदने आए क्या, देख के तो बात कर। तो ठीक है, स्कैम नंबर 3 वॉज नॉट एक्चुअली स्कैम। 1 और 2 में मैं फंसने से बच गया। लोग भावनाओं में बह जाते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं कि यार 1.5 लाख रुपये की बाइक 60,000 रुपये में मिल रही है, इसी साल की है, एकदम नई और अच्छी कंडीशन में, तो थोड़े पैसे डाल देते हैं। और वो जो थोड़े पैसे होते हैं वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो और ये जो गूगल पे वाला स्कैम था, ये तो मैंने खुद पहली बार देखा है। और हम लोग को इससे कोई डर नहीं है। जो लोग गूगल पे यूज़ करते हैं वो लोग शायद एक पॉइंट पे आके समझ जाएंगे और रुक जाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो हु आर न्यू टू गूगल पे, तो जो लोग पेरेंट्स हैं हमारे, वो लोग गूगल पे से इतने फेमिलियर नहीं हैं, तो ऐसे लोग उनके स्कैम में फंस जाते हैं और इस वजह से वो लोग चल रहे हैं और इस वजह से उन लोग के स्कैम्स चल रहे हैं। अगर आपने कभी OLX पे कुछ लिस्ट किया होगा या आपने OLX से कुछ खरीदा होगा, तो एक चीज़ खरीदने के लिए आप कम से कम 10 से 12 अजीब प्राणियों के अक्रॉस आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक ढंग का बंदा मिलेगा जिससे आप बाय या सेल कर सकते हैं। अब बाकी के जो 10 से 12 हैं वो या तो OLX पे टाइम पास करने आते हैं या लोगों को पागल बनाने आते हैं। अब मेरे जैसे लोग तो पागल नहीं बने, मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग भी पागल नहीं बने। सो नाउ इट्स द टाइम टू शेयर सम टिप्स जो मैं आपको बताऊँगा कि आप OLX के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। टिप नंबर 1, जब तक आप प्रोडक्ट देख नहीं लेते, आपके सामने से आपके हाथ में आ नहीं जाता, तब तक 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 2, अगर किसी को आपसे प्रोडक्ट ख़रीदना है तो उनको आपकी प्लेस पे आने दीजिए, आप उनके प्लेस पे ना जाएं प्रोडक्ट लेके, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई गुंडा भी हो सकता है। टिप नंबर 3, अवॉइड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में रिक्वेस्ट वाला ये जो सीन था गूगल पे वाला, ये रिक्वेस्ट वाला सीन था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था, अगर मैं उस पर प्रोसीड टू पे करके वो मुझे पागल बना देता सक्सेसफुली, तो मेरे अकाउंट में 15,000 आने की बजाय 15,000 चले जाते और वो बंदा तो फ़ोन उठाता ही नहीं उसके बाद। तो अवॉइड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कैश में डील कीजिए। टिप नंबर 4, जब तक आपके पास, अगर आप बायर हैं, जब तक आपके पास प्रोडक्ट आ नहीं जाता कम्प्लीटली, अगर आप बाइक ले रहे हो तो जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं हो जाते या कोई और चीज़ें, जब तक आपके सारी चीज़ें नहीं आ जाती तब तक आप पूरे पैसे ना दें। और वाइस वर्सा, अगर आप सेलर हैं और जब तक आपके पास पूरे पैसे आ नहीं जाते तब तक आप उसे वो चीज़ ना दें। वो बोले कि आप दे दो, मैंने NEFT किया है, 24 घंटे में आ जाएगा, व्हाटएवर, ट्रांजैक्शन अटक गया है। जब तक पैसे अकाउंट में या हाथ में नहीं आते तब तक चीज़ नहीं देनी है। सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आई डोंट हैव एनी कंसर्न्स विद OLX। OLX इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। OLX से मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी और बेची हैं एंड वो अपने सिक्योरिटी भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ये दोनों लोगों का मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि दिस अकाउंट हैज़ बीन डिटेक्टेड एज सस्पिशियस, प्लीज़ डू नॉट एक्सचेंज एनी मनी विद दिस बायर और सेलर व्हाटएवर। ये दोनों, इन दोनों लोगों का मुझे वो जो चैट क्रिएट होती है उसमें आ चुका है। तो OLX पे सिक्योरिटी तो है तगड़ी, वो तो है, बट लोगों का क्या करें। अब वो उसका एक अकाउंट ब्लॉक करेगा वो दूसरा अकाउंट बना लेगा, दूसरा ब्लॉक करेगा वो तीसरा बना लेगा। ऐसे वो अगर 10 अकाउंट बना के अगर वो एक बंदे को भी पागल बना लेते तो उसके पास तो 15,000 ईजिली आ गए और दिन में एक बंदा तो पागल बन ही जाएगा। तो अगर हम लोग सावधान हो जाएं तो ये स्कैम्स ही बंद हो जाएं और ये जो स्कैमर है इनका घर चलना बंद हो जाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू इज़, ये जो मैं इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ वीडियो बनाने में, ये तो अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग है, ये एक्चुअल एफर्ट्स नहीं है। एक्चुअल एफर्ट्स आते हैं एडिटिंग में। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू फाइंड दिस मैसेज अ वैल्यू, प्लीज़ शेयर इट अमंग एवरीवन। बिकॉज मैं समझदार था तो मैं बच गया, बट काफ़ी लोग ऐसे जो इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और वो मनी एक्सचेंज कर लेते हैं या वो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे वो कर लेते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग ऐसे हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, तो ताकि OLX पे किसी का कटे ना, क्योंकि काटने के लिए तो लड़कियाँ ही बहुत हैं, OLX क्यों काटे। चलते हैं, चलो बाय। Hold on.